वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 3, सब्जेक्ट जीके। आई एम चांदनी भट्ट, योर जीके टीचर। बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट, आई विल शो यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो हियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, रीटा फेरिया। सी इन दिस पिक्चर, शी इज रीटा फेरिया। रीटा फेरिया सबसे पहली मिस वर्ल्ड बनी थी, फर्स्ट वुमन जज इन सुप्रीम कोर्ट, मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमन जज सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहली वुमन जज मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीबी बनी थी। द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, फर्स्ट वुमन गवर्नर मिसेस सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वो सबसे पहली लेडी गवर्नर बनी थी। फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्रॉस गिब्राल्टर स्ट्रेट टू स्विम, आरती प्रधान। फर्स्ट वुमन टू विन शती स्वरूप भटनागर प्राइज, सबसे पहली वुमन थी जिसने शती स्वरूप भटनागर प्राइज जीता था, आशिमा चटर्जी। फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्ले इंग्लिश फुटबॉल, अदिति चौहान। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विजिट एंटार्क्टिका, मेहर मूस। फर्स्ट IPS ऑफिसर, किरण बेदी। किरण बेदी इंडिया की फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर बनी थी इन 1972। द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को वुमन ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता था। ये सभी वुमन ने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही लेसन पढ़ने वाले हैं। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सम्मान के लायक है और जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही महान काम किए हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, यूनिट नंबर 33, इंडियन वुमन पावर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल रीड इंस्ट्रक्शन। लुक एट द गिवन पिक्चर्स ऑफ सम फेमस इंडियन वुमन, रीड अबाउट देम एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स, यूज द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे फेमस इंडियन वुमन के पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको उनके बारे में जानकर वहाँ उनका नेम लिखना है। यूज़ द हेल्प बॉक्स और हेल्प बॉक्स की मदद लेनी है। फर्स्ट वन, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। ये इंडिया की सबसे पहली वुमन थी जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज क्या है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। टू द पर्सन हु शैल हैव डन द मोस्ट और द बेस्ट वर्क फॉर फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस, फॉर द एबोलिशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज एंड फॉर द होल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीस कांग्रेस। ये अवार्ड इसको दिया जाता है जो पर्सन देश के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए काम करे, जैसे कि जो दो कंट्री से उसके बीच में शांति बनाए रखे, दोस्ती बढ़ाए, उसको ये नोबेल प्राइज मिलता है। जो पर्सन आर्मी की संख्या कम करने के लिए या फिर दो देश के बीच में युद्ध ना हो और दोस्ती हो ऐसा कुछ काम करे,
तो उसको नोबल पीस प्राइज मिलता है। नोबल पीस प्राइज मतलब नोबल शांति पुरस्कार। ये पुरस्कार एवरी ईयर 10 दिसंबर को दिया जाता है। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द नोबल पीस प्राइज। मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज मिला था, पर क्यों वो हम देखेंगे। लेट्स सी। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट लेडी एंड अ रोमन कैथलिक नन हु हैज फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन 26th ऑफ ऑगस्ट इन 1910 इन मैकेडोनिया। मैकेडोनिया में उनका बोर्न हुआ था 26th अगस्त इन 1910। हर बर्थ नेम वॉज अग्नेस कोची बोजाक्सी। शी केम टू कोलकाता व्हेन शी वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड कंटिन्यूड हर लाइफ्स मिशन ऑफ केयरिंग पुअरेस्ट पीपल। जब मदर टेरेसा 18 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपनी लाइफ का मिशन चालू किया, और वो मिशन था पुअरेस्ट पीपल की केयर करना। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पुअर पीपल की केयर करने में बिता दी। मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट वुमन हु इज ऑलवेज एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हर अमेजिंग वर्क्स एंड अचीवमेंट्स। शी वॉज फुल ऑफ लव केयर एंड सिंपथी फॉर मैनकाइंड। शी वॉज अ लेडी विद स्ट्रॉन्ग फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड एंड ह्यूमैनिटी। Hard and continuous work tired her load. However, she never gave up. Continuous and hard work की वजह से वो थक जाती थी, but she never gave up. पर वो कभी gave up नहीं करती थी. She loved everyone and was loved by everyone. She was a lady who had inspired lots of people to do impossible works in their lives. She had spent her whole life by caring poor and sick people as a real mother. उन्होंने अपनी पूरी life as a real mother poor और sick people के लिए spent की थी। She passed away on 5th September 1997 in Calcutta. Her death stunned millions of people all over the world. She would always be alive in our heart. Dear students, we will write here Mother Teresa. Next is, see this picture, dear students. She is the first Indian woman to go into space. ये इंडिया की सबसे पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। अवकाश में जाने वाली ये सबसे पहली महिला का नाम था कल्पना चावला। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन March 17, 1962 इन हरियाणा इंडिया। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई इन स्पेस। कल्पना वॉज ऑलवेज a diligent student. She was a woman of great patience and hard work. Kalpana Chawla always had a dream of landing on the moon. She proved that nothing is impossible if you have true dedication for your work. Kalpana Chawla ka hamesha se ek sapna tha moon par landing karna, aur jo usne pura bhi kiya. Koi bhi kaam इम्पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। हर काम पॉसिबल है, बट कैसे? हमारे हार्ड वर्क पैशन से। अगर हम कंटिन्यूस वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे,
तो एक ना एक दिन वो सपना ज़रूर पूरा होगा। इन ऑर्डर टू ब्रिंग हर ड्रीम टू रियलिटी शी एंटर इनटू द फील्ड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन शी रीच्ड सच हाइट्स। She was selected by the National Aeronautics and Space Administration from thousands of candidates. हजारों कैंडिडेट में से कल्पना चावला सिलेक्ट हुई थी नासा में। And this is a full form of NASA. कल्पना's first space mission was on नवंबर 1994 साल में कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था। शी वॉज अ पार्ट ऑफ सिक्स मेंबर क्रू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87। सिक्स मेंबर में से कल्पना चावला भी एक मेंबर थी स्पेस शटल कोलंबिया में। She went as a mission specialist on a space shuttle. Space shuttle में वो mission specialist थी। Very soon she got another opportunity to go into space. This time also she was selected as a mission specialist in the 7-member crew. Unfortunately, she died in the space shuttle Columbia disaster on February 1. सेकेंड टाइम कल्पना चावला को फिर से स्पेस में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली और फिर से वो मिशन स्पेशलिस्ट बनकर गई थी स्पेस शटल में। बट अनफॉर्चुनेटली शी डाइड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर ऑन 1 February 2003। ग्रेट पीपल डाई बट देयर स्टोरीज डू नॉट। कल्पना चावला इज स्टिल द इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी यंग वुमन वु ड्रीम ऑफ मेकिंग वंडर इन द वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल राइट हियर कल्पना चावला। नेक्स्ट इज सीन दिस पिक्चर डियर स्टूडेंट्स, शी इज द फर्स्ट वुमन टू हैड अ मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये इंडिया की सबसे पहली वुमन है जो मिसाइल प्रोजेक्ट की हेड बनी थी। द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ दिस वुमन इज टेसी थॉमस। नेक्स्ट इज शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड बैडमिंटन। बैडमिंटन में दुनिया में सबसे पहला रैंक लाने वाली ये लेडी है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल वॉज बोर्न ऑन 17 March 1990 इन दहिंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। साइना नेहवाल फादर्स नेम इज डॉक्टर हरवीर सिंह एंड मदर उषा रानी। साइना नेहवाल का जन्म 17 March 1990 में हुआ था हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। साइना नेहवाल के फादर डॉक्टर हरवीर सिंह एंड उसकी माता उषा रानी। हर मदर उषा रानी वॉज अ स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर इन हरियाणा। उनकी माता उषा रानी वो स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर थी। साइना नेहवाल ग्रू अप इन हैदराबाद। शी वॉज अ क्वाइट स्टडियस एंड शाई स्टूडेंट एट स्कूल। साइना बिकेम द अंडर 19 नेशनल चैम्पियन। शी बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू डू सो। साइना नेहवाल हैदराबाद में बड़ी हुई थी क्योंकि उसके पापा की जॉब वहाँ पर थी। चाइल्डहुड से ही वो बहुत ही शांत और स्टडियस, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और शाय स्टूडेंट थी।
Shaina was honored with many awards for her hard work. The Arjuna Award, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, the Padma Bhushan Award. She became the first Indian badminton player to win a BWF series event. The gold medal at the Commonwealth Games in 2010 and many more awards. Saina Nehwal ko uske hard work ke liye bahut hi medals mile the, puraskar mile the. But dear students, puraskar, Nobel aur kuch achievement ke liye सबसे पहले हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ये हार्ड वर्क सिर्फ साइना नेहवाल का नहीं था, उसके फैमिली मेंबर्स का भी साथ में था. कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए और सबसे बेस्ट करने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है. बट वो हार्ड वर्क कोई एक इंसान का नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं. तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साइना नेहवाल को डार्लिंग डॉटर ऑफ इंडिया का खिताब दिया था. साइना नेहवाल ने कराटे में ब्राउन मेडल जीता था. फ्रॉम हैदराबाद हर बैडमिंटन जर्नी वॉज स्टार्टेड. हैदराबाद में स्टेडियम से साइना नेहवाल का घर 20 किलोमीटर दूरी पर था, और साइना नेहवाल रोज़ 50 किलोमीटर का आना जाना रहता था. उनकी बैडमिंटन प्रैक्टिस सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसके पापा को बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती थी. आफ्टर 3 मंथ्स दे बॉट अ हाउस नियर स्टेडियम. स्टेडियम के नज़दीक उन्होंने एक घर ले लिया, बट फिर भी स्टेडियम से 7 किलोमीटर की दूरी पर था. और अब साइना नेहवाल के कोच ने 2 टाइम प्रैक्टिस कर दी थी, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी. उसकी वजह से साइना नेहवाल के पापा को स्कूटर पर साइना नेहवाल को लेने और छोड़ने जाना पड़ता था, और तब टाइम में स्कूटर से जाने के लिए भी 150 रुपीस लग जाते थे. और साथ साथ में साइना नेहवाल की बहन की भी मेडिकल पढ़ाई चल रही थी, तो उसका खर्चा अलग. साइना नेहवाल के एजुकेशन और बैडमिंटन के इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों का खर्चा मिलाकर 18,000 हो जाता था. उसके पापा की आधी सैलरी तो साइना नेहवाल के पीछे ही चली जाती थी, और उसके पापा अपने प्रोविडेंट फंड में से या फिर रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड से उधार लेकर मैनेज करते थे. बट ये बात साइना नेहवाल को कभी पता नहीं चलने दी थी. और ऐसे ही उसके मम्मी पापा ने भी बहुत ही सपोर्ट किया साइना नेहवाल को, और फिर धीरे धीरे साइना नेहवाल आगे बढ़ती गई, और फिर उसको स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से उसके पापा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम हुई. सो हियर वी विल राइट साइना नेहवाल.